CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम स्वाद। आलेख रत्न प्रकाश शील का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बढ़िया चाट वाला, चटपटी चाट वाला। मेरी चाट जायकेदार खाकर लेते सभी डकार, बच्चों के मन भाती है, बड़ों को भी ललचाती है। बढ़िया चाट वाला, चाट वाला। इसमें आते सारे स्वाद, इसकी आती सबको याद, जायका ठीक बनाती है, 30 पैसे में आती है। बढ़िया चाट वाला, चटपटी चाट वाला। चाट वाले, एक पत्ता कितने का दोगे? आओ 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 सब आओ, अमचूर वाला पत्ता 25 पैसे का और नींबू वाला पत्ता 30 पैसे का। क्यों भाई चाट वाले, अमचूर भी खट्टा होता है और नींबू भी, फिर नींबू वाला पत्ता 5 पैसे महंगा क्यों देते हो? अरे बाबूजी, नींबू अमचूर से महंगे जो मिलते हैं? नहीं, हम तुम्हें एक पत्ते के 25 पैसे ही देंगे। बनाओ एक पत्ता। आप 25 भी ना देना बाबूजी, चटपटी चाट का मजा लो। अरे पानी पानी पानी, तुमने चाट बहुत तीखी बना दी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। भाई पैसे कौन मांग रहा है, चाट में डालो मीठी चटनी। ए, 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 ये और लोगे? अब बात बनी, पर ये खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाई? खट्टी चटनी में खट्टी चीज डाली इमली, इमली ना हो तो खटाई। नींबू भी तो खट्टा होता है। अरे चाट वाली, और एक पत्ता बना दो, पर मेरे दांत में कुछ हो रहा है। मेरी चाट से तो दांतों में कुछ नहीं होता। तुमने इससे पहले जरूर कुछ खाया होगा जिससे दांत उतर रहे हैं। तुम मेरी माँ को ना बताओ तो कहूँ? कहो, माँ को नहीं बताऊंगा। अपने दोस्तों के साथ मैं खेत में गया, वहाँ इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। हम सब ने इमली तोड़ी और खूब खाई। खाई, खूब इमली खाई। ये तुम्हारे दांत खट्टी इमली ही खाने से उतर गए हैं। ज्यादा खट्टी चीज खाने से ऐसा ही होता है। अब तुम मीठी चीज खाओ, दांत ठीक हो जाएंगे। यानी बूरा खाऊं? बूरा तो मीठा होता ही है, चीनी और गुड़ भी तो मीठा होता है। और कुछ ना मिले तो एक गन्ना ही चूस लेना, उसमें भी तो मीठा रस भरा होता है। रसगुल्ला तो तुम खा नहीं सकते है? क्यों नहीं खा सकता? मीठे मीठे रसगुल्ले तो मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ भाई, तुम क्यों नहीं खा सकते? बच्चों को खट्टी मीठी और चटपटी चीजें तो बहुत पसंद होती हैं। यानी
वे इमली खाएंगे, कच्चे आम खाएंगे, आम पापड़ खाएंगे, रसगुल्ले रबड़ी खाएंगे, चूरन खाएंगे। बस बस, दादाजी कहते हैं कि मीठी चीजें ज्यादा खाने से पेट और दांत खराब हो जाते हैं। ये बात तो सही है। तो तुम फल क्यों नहीं खाते? कई तरह के फल मीठे होते हैं, जैसे सेब, संतरा, आम। नहीं नहीं, ये मीठे जरूर होते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं। कभी कभी बहुत खट्टे भी निकल जाते हैं। मुझे बहुत खट्टी चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ, चटपटी हो तो अच्छी लगती है। जैसे मेरी चाट है, इसमें इमली का खट्टा स्वाद है, गुड़ का मीठा और मिर्च का चरपरा स्वाद है। अमचूर डाल दो या नींबू निचोड़ दो, हर चीज खट्टी बन जाएगी। थोड़ा बूरा या गुड़ मिला दो, हर चीज में मीठा स्वाद आ जाएगा। मिर्च डाल दो तो चरपरा स्वाद हो जाएगा। और उन सब को नमक के साथ मिला दो, आहा, तो मजेदार चटपटा स्वाद बन जाएगा। मीठी चीनी, मीठा गुड़, खट्टी इमली, खट्टा नींबू, एक खट्टा एक मीठा, दोनों को मिला दो बना खट मीठा। चटपटा चूरन तो मैं घर में ही बना लेता हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा बूरा और थोड़ी सी खटाई मिलाई, बस चटपटा चूरन बन गया। वो मुझे बहुत पसंद है, मगर दादाजी उसे भी खाने को मना करते हैं। क्यों? वही पेट खराब, ऊपर से डॉक्टर का डर दिखाते हैं कि पेट खराब हो गया तो कड़वी दवा पीने को मिलेगी। चाट वाले, मुझे कड़वी दवा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कड़वी दवा अच्छी किसे लगती है? मैं भी उसे बिल्कुल नहीं पी सकता। बिल्कुल ऐसी जैसे नीम की पत्तियां खा ली हो। मुंह का स्वाद तो फिर खराब हो गया चाट वाले। कड़वी दवा का नाम सुनते ही सारा मजा खराब हो गया चाट का। लाओ थोड़ा नींबू और डाल दूं इसमें। ओफ, ये नींबू था या नीम, सारा स्वाद कड़वा हो गया। छोटे साहब, मैंने तो नींबू ही निचोड़ा था चाट में। ओहो, लगता है इसके साथ में बीज भी चला गया और वही आप चबा गए। नींबू का बीज? वाह चाट वाले जी, इतने खट्टे नींबू का बीज इतना कड़वा कैसे हो सकता है? एकदम जैसे नीम। नींबू का रस खट्टा होता है, मगर उसके बीज कड़वे होते हैं। छोटे बाबू, नीम की पत्ती कड़वी होती है, उसकी कच्ची निबोली भी कड़वी होती है, मगर जब वो पक जाती है तो उसका गूदा जरा मीठा हो जाता है। गुठली फिर भी कड़वी ही रहती है। करेले का स्वाद भी कड़वा होता है। सब्जी बनाने से पहले तभी तो उसे नमक लगा कर रखते हैं, इससे उसका कड़वापन निकल जाता है। अजब तमाशा है। अच्छा छोटे बाबू, तुमने आम तो खाया ही होगा, कैसा होता है? आम तो मीठा होता है। मगर कच्चा आम हमेशा खट्टा होता है, मीठा वो पकने के बाद होता है। जब कच्चे आम का
तरह तरह के मसालों में अचार डाल दिया जाता है तो वो चटपटा लगता है, है ना? मेरे मुंह में पानी आ गया चाट वाले, एक पत्ता और बना दो ना। लो जी, कितने पैसे वाला बनाऊं? है 25 पैसे वाला? मगर मेरे पास तो सिर्फ 15 पैसे ही हैं। तब तो मुश्किल है बाबूजी। तुम्हें 15 पैसे में पत्ता बना कर दे दिया तो यहाँ बैठे सभी लोग 15-15 पैसे ही देंगे पत्तों के। बड़ा घाटा रहेगा इस सौदे में। दे दो ना चाट वाली, मैं किसी से कहूँगा थोड़ी ही। चलो नींबू मत डालना, इमली का खट्टा पानी ही डाल देना, मीठी चटनी भी मत डालना। तुमने तो परेशानी में डाल दिया छोटे बाबू। जल्दी से एक पत्ता बना दो ना। ठहरो ठहरो, मुझे सोचने तो दो कि 15 पैसे वाला पत्ता कौन सा बनाऊं। हाँ, खीरे की चाट बना दूं? नहीं नहीं, खीरा नहीं, वह भी कभी कभी कड़वा निकलता है। मगर मेरा खीरा एकदम मीठा है। ये लो चक्कर देखो। अरे ये ना मीठा है ना कड़वा, यह तो एकदम खट्टा है चाट वाले जी। ये लो, और सुनो, खीरा भी कभी खट्टा होता है। लो चखो। खीरा खट्टा क्यों हुआ वो बताओ। अरे भाई, खीरे पर मैंने नींबू निचोड़ा तो खीरा हो गया खट्टा। चाट वाले जी, आप तो स्वादों के बारे में जानते ही होंगे, बताओ तो सही। खट्टा, मीठा, कड़वा और चरपरे के अलावा भी कोई स्वाद होता है? अरे छोटे बाबू, आपने भली कही। दुनिया में हर खाने की चीज का स्वाद अलग अलग होता है। तुमने वो गीत सुना है? अरे वो स्वादों का। नहीं तो, तुम्हें आता है क्या? कुछ कुछ आता है, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। लो सुनो। बूरा मीठा चीनी मीठी गुड़ भी मीठा होता है, बूरा मीठा चीनी मीठी गुड़ भी मीठा होता है, नींबू खट्टा नींबू खट्टा इमली खट्टी कमरख खट्टा होता है। कड़वा होता नीम चरपरी, होती मिर्च हरी या लाल, सारे स्वाद मिले तो बनता स्वाद चटपटा करे कमाल। सारे स्वाद मिले तो बनता स्वाद चटपटा करे कमाल। बढ़िया चाट वाला, चटपटी चाट वाला, बढ़िया चाट वाला। प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।